चलो गुड मॉर्निंग यार, आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारे घर से हो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज मुझे जाना है थोड़ा सा उत्तरकाशी किसी की गाड़ी लेके, तो चाबी मेरे पास आ चुकी है गाड़ी की, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने और उसके बाद निकलते हैं फटाफट से सीधा उत्तरकाशी जाने के लिए। और रात को बहुत खतरनाक बारिश हुई यार इधर, तो अभी तो खैर मौसम साफ हो रहा है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये देखो कोरे कोरे चारों तरफ। तो यार फिलहाल हम बोराडी से निकल चुके हैं बादशाह हॉल जाने के लिए, क्योंकि मैंने जिनके साथ जाना है उनको बादशाह हॉल से पिक करके तब जाना है लमगांव वाले रास्ते उत्तरकाशी। तो बाकी रात को बहुत खतरनाक बारिश हुई थी जिस वजह से देखो पूरी रोड गीली हो रखी है, और पर सुबह का मौसम ठीक है, बस कोहरा लगा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत तब हो रही है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं यार उत्तरकाशी के रास्ते के बीच में एकदम। अभी जिनके साथ में आ रहा हूँ उनका यहाँ पर थोड़ा सा काम है तो इस वजह से मैं भी रुका हूँ। तो बाकी यहाँ एक बहुत ज़्यादा सुंदर गाँव है जिसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा बताना भी चाहता हूँ। ये देखो तो जो ये वाला रास्ता है ये हम जा रहे हैं लमगांव वाले रास्ते, क्योंकि यहाँ से जिनके साथ मैं आ रखा हूँ उनका यहीं से काम है, तो जिस वजह से ये वाला रास्ता चुना है हमने। तो यहाँ से हम थोड़ी देर में बस पहुँच जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक घंटा रुकना है हमें, उसके बाद निकल जाना सीधा उत्तरकाशी के लिए और उसके बाद जाएंगे हम सीधा घर। यार इस गाँव की सुंदरता देख के बता नहीं सकता, क्योंकि कितना प्यारा गाँव है। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कोहरा भी हल्का हल्का और बीच में ये गाँव है और चारों तरफ हरियाली है। भाई साहब इतना प्यारा गाँव, मुझे लगता है कि आप लोग को भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये लमगांव से थोड़ा सा 20 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो वहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इस गांव में ज़रूर रुकना, क्योंकि यार बहुत अच्छा गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है। तो यार इस गांव में एक तमकेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है जिसकी बहुत मान्यता है और बहुत ही आस्था है जो इस गाँव में पड़ता है, और उसके बारे में भी आपको बताऊँगा थोड़ा सा आगे जाके कहाँ पर मंदिर है। लेकिन अभी ये कोहरे के साथ इतना प्यारा लग रहा था गाँव कि थोड़ी देर मैंने रोक के अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके बाद निकल गए तमकेश्वर महादेव जी के रास्ते में, जो कि इसी गांव में थोड़ा सा लगभग 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, जहां पे हमने दर्शन भी करने हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर जाना है वापस उत्तरकाशी के लिए। यार जो लोग मेरी वीडियो पहाड़ों से देखते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो प्लेन से देखते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर व्यू है। बाकी ये देखो हरियाली, यहाँ हरियाली और खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी है, और गाँव आके हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे गाँव में होते हैं नेपाल में इस तरीके के घर होते हैं, इस तरीके की खेती बाड़ी होती है, जिसको देख के पूरा हमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने गांव में आ गया हूँ। बाकी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था। अगर यार कोई दोस्त मेरा, कोई सब्सक्राइबर मेरे इस गांव से वीडियोस मेरी देखता है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिस वजह से हमें पता चले कि यार हम कहां कहां से हमारी लोग वीडियोस देखते हैं। वैसे तो मैं कम डालता हूं ब्लॉग पर, कोशिश करता हूं कि ज़्यादा ब्लॉग डालूंगा, अब कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितना हो सके मैं ज़्यादा ब्लॉग डालूंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ राय ज़रूर दीजिए यार मेरे को। जो ये सामने रोड देख रहे हो आप, इसी से हमने उत्तरकाशी जाना है, और जो नीचे से आ रही है ये आ रही है लमगांव से और सामने से जा रही है उत्तरकाशी के लिए। लेकिन रोड बहुत पतली है, बहुत संभल के चलना आप इस रास्ते में, क्योंकि दरअसल क्या है कि रोड पतली है और बसेस वगैरह आती है तो जगह बिल्कुल नहीं बचती है, जिस वजह से आप लोग संभल के चलना मेन रोड में। तो यार फिलहाल अब मैं वापसी जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा लगभग काम निपट चुका है। अब रास्ते में तमकेश्वर महादेव जी का मंदिर पड़ेगा जहाँ थोड़े से बाहर से दर्शन करके हम चल जाएंगे, क्योंकि यार जिनके साथ में आ रहा हूँ उनको थोड़ा जल्दी पहुँचना है। तो ये है सामने हमारे तमकेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे वीडियोज़ में। तो सावन के इस महीने में यार हमें तमकेश्वर महादेव जी के दर्शन भी हो गए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो बाकी अब निकल रहे हैं वापसी टिहरी जाने के लिए, और रास्ते में देखो यार कितना प्यारा प्यारा वो है, ये प्यारे प्यारे घर है तमकेश्वर महादेव के नज़दीक में, जो हमारे गांव में हुआ करते थे, गांव में हमारे नेपाल में वैसे ही घर हैं यहाँ पर भी तमकेश्वर महादेव जी के बिल्कुल अगल बगल में। तो अब हम सीधा पहुँचते हैं मेन रोड में और पकड़ते हैं वहाँ से गाड़ी। तो यार फिलहाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, अब उत्तरकाशी में जो काम तो निपटा लिया, अब हम जा रहे हैं वापस टिहरी जाने के लिए। तो बस फटाफट निकलते हैं, बस जाम ना हो यार। उत्तरकाशी में थोड़ा सा पहले टनल से पहले जाम लगा रहा था बहुत खतरनाक, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया हमें, अब जाते टाइम देखते जाम लग गया है कि नहीं है। तो ये आ चुके हम फिलहाल मेन रोड में उत्तरकाशी से आगे, जो कि काफ़ी चौड़ी रोड है, आपको पता ही चंबा तक बहुत चौड़ी रोड है। और बाकी बीच में हमने एक और जगह जाना है अभी, जहाँ पे एक और महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपना टिहरी के लिए। बस थोड़ा सा आगे यहाँ से एक रास्ता कटेगा, कच्चा रास्ता, जो कि हमारा धरासू बैंड से पहले ही कट जाता है।
और ये वाली रोड में दरअसल क्या है कि जाम नहीं है आजकल, क्योंकि क्या है कि आजकल कावड़ तो चल रहा है, लेकिन जिस वजह से बरसात के कारण क्या है कि यात्राओं में लोग कम आ रहे हैं। तो फिलहाल यार हम फिर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं एक और जगह में, जो कि धरासू बैंड से थोड़ा पहले ही है। तो ये है रास्ता वहाँ जाने का, बहुत ही कच्चा रास्ता है, मतलब ठीक है। गाड़ियाँ हमने ऊपर ही खड़ी करी क्योंकि हमें पता नहीं था कि नीचे तक रोड है। तो गाड़ी ऊपर खड़ी करने के बाद हम चले गए नीचे पैदल रास्ते में, जो कि मंदिर तो काफ़ी नीचे है। सामने में आप देख पा रहे होंगे जो मेन रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से इस तरफ आ रखे हम, लेकिन बहुत आगे से कट के लगभग 5 किलोमीटर बाद ये गाँव पड़ता है जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। उत्तरकाशी के रास्ते में टिहरी जाते टाइम एक महादेव जी का मंदिर पड़ता है बहुत, जिसको मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आ रखे हम फिलहाल दर्शन करने हैं। देखो बस दर्शन करके तब वापस चल जाएंगे। इसके नीचे से पानी आता है, इसके नीचे से पानी ये और ये भी अच्छा। भाई बहुत स्वाद है इस पानी में यार, बहुत ज़्यादा। बाकी ये देखो यार मंदिर के नीचे से भी पानी आ रहा है, देखो वो आए हैं। तो जल चढ़ा के जाएंगे यार, तो हमने जल भी भर लिया है, बस बेलपत्री लेके बेलपत्री के साथ जल चढ़ाएंगे, उसके बाद निकलेंगे अपना टिहरी के लिए। तो दर्शन हो गए हमारे महादेव जी के और उसके बाद हम निकल गए वापस टिहरी जाने के लिए, लेकिन गाड़ी है बहुत ऊपर खड़ी और हमें पड़ रही है रास्ते में बहुत खतरनाक चढ़ाई। तो अब फिलहाल अभी हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई। तो यार मंदिर से आ चुका हूँ, अब मैं निकल गया हूँ टिहरी जाने के लिए। तो मंदिर थोड़ा सा काफ़ी डाउन में था, तो आते टाइम थोड़ा सा पसीने आ गए क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो अब निकल रहे हैं फटाफट टिहरी के लिए, अब टिहरी के रास्ते में निकल गए हैं, देखते हैं अब कितने जल्दी पहुँचते हैं टिहरी। फिलहाल यार मैं चिनाली शॉर्ट पहुंच चुका हूँ। चिनाली शॉर्ट से देखो जो शॉर्टकट रास्ता है ये बाईपास वाला रास्ता पकड़ा है मैंने, बाकी नहीं तो ये मेन बाज़ार से नीचे वाला रास्ता जाता है। तो इतना बड़ा है अपना चिनाली शॉर्ट। तो यार जो सामने पुल देख पा रहे हो आप, ये है चिनाली शॉर्ट का पुल, जो डोबरा से आते टाइम शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। इस रास्ते अगर आप आओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे। तो हम इस रास्ते तो गए नहीं क्योंकि हमें चंबा से होते हुए जाना है। मेरे डैम है, बाकी ये देखो जो सामने रास्ता आ रहा है ये वाला है शॉर्टकट रास्ता जो डोबरा चाटी होते हुए जाता है। आपको हल्का हल्का ब्रिज भी दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे। तो जो सामने से जाते हैं तो वाला निकलता है हमारा धरासू बैंड से आगे रास्ता, जो शॉर्टकट है उत्तरकाशी जाने के लिए। इस रास्ते में जा रहा हूँ, ये है चंबा वाला रास्ता जो थोड़ा सा लंबा है, अगर किसी को बारह से जाना है तो उन्हें वाला रास्ता शॉर्टकट पड़ता है। तो मैं भी अपने अभी चंबे वाले रास्ते से निकल रहा हूँ फटाफट, क्योंकि रास्ते में रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं है आज, तो फटाफट निकलते हैं। तो यार फिलहाल अभी हम मेन रोड में आ गए हैं। मेन रोड में क्या है कि आजकल जाम इसलिए नहीं मिल रहा है, यात्रा आजकल पीक टाइम पे अपने, क्योंकि बरसात चल रही है। बरसात में क्या होता है कि रोड थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से लोग यात्रा को अवॉइड करते हैं फिलहाल। तो एक दो महीने बाद फिर यात्रा उसे अपने उसमें शुरू हो जाएगी, उस टाइम बहुत भीड़ रहता है, बहुत क्राउड रहता है इस रोड में। ऑफ रोडिंग चल रही है देखो, यहाँ पे बारिश की वजह से पूरा दलदल बना हुआ है, यहाँ तो रोड तो दिखी नहीं रही, यहाँ पर पूरी गाड़ी भी ऐसी हिल रही कि बस डांस कर रही है पूरी गाड़ी। पॉइंट में हूँ, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। बाकी ये देखो सामने टिहरी है और ये दिख रहा है हमारा कोटी कॉलोनी, और ये देख पा रहे होंगे आप ये इधर की तरफ डोबरा चाटी, जो मैं आपको शॉर्टकट वाला रास्ता बता रहा था, वो डोबरा चाटी पुल से पार जाके इस तरफ से तब जाते हैं चिनाली शॉर्ट के लिए। बाकी देखो यार कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, एकदम इतनी मस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे भाई, बैठने का मन कर रहा है बहुत देर, लेकिन बैठ नहीं पाऊँगा, लेकिन तुझे हो रही लेट। निकलते हैं फटाफट अब जाने के लिए।
फिलहाल यार अपनी दुकान में पहुंच चुके हैं। दुकान संतोषी ने लगा दी है, अब थोड़ी देर आराम करूंगा कि बहुत थकान लग गई आज। बैग रख देते पहले गाड़ी में अपना मस्त करके। यार संतोषी ने दुकान तो पूरी लगा दी लेकिन सारा सामान ऐसा फैला रखा है उसने कि मुझे सेट करने में पूरा आधा एक घंटा लग जाएगा। पूरे गाड़ी के अंदर कैसे कर रखा है उसने, तो अब अच्छे से सामान सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब तब घर जाने की तैयारी होगी, शाम भी हो ही गई है लगभग। ये देखो आज वैसे थकान नहीं लगी यार इतनी ज़्यादा, जिस मुकाबले में काफ़ी गया आज, काफ़ी दूर पहले लमगांव गए वहाँ से उत्तरकाशी से फिर वापस यहाँ आए, टाइम तो काफ़ी लग गया लेकिन बस ये है कि पहुँच गए टाइम से और दुकान में भी आ गए। फिलहाल यार अब दुकान का सारा सामान रख दिया है क्योंकि यार बहुत थकान भी लग गई थी और रात भी हो गई है, तो अब जा रहा हूँ मैं घर की तैयारी करने। कच्चे आम लाया था मैं रास्ते में, मुझे मिले थे तो इन बहुत ज़्यादा खट्टे हो रहे हैं, इतने खट्टे खाएंगे तो बुखार आ जाएंगे एकदम, इसलिए हमने तो रख दिया। कल अपना नमक नमक लगा के या चटनी बना के खाएंगे इसका मस्त करके। तो आज का ये ब्लॉग हमारे यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो आप लोग, क्योंकि यार आप लोग वीडियो देखते हो पूरी उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा लगता है यार, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और बाकी फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, कोशिश करेंगे यार हम अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना पाएँ। कहीं पर अगर गलती लगती है आपको तो ब्लॉग में ज़रूर बता देना, आप कमेंट कर दिया करो तब हमें भी अच्छा लगता है कि यार आप लोग देख रहे हो कमेंट भी कर रहे हो। तो बाकी फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।